जिंदल सिटी में RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही दीवार को लेकर विवाद अब भी बरकरार है। बीते दिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। उन्होंने अपनी मांग पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफ किया कि वे किसी भी हालत में जिंदल सिटी से किसी भी दूसरी कॉलोनी में रास्ता नहीं खोलने देंगे। एसोसिएशन द्वारा धरने प्रदर्शन के दौरान लंगर की व्यवस्था भी की गई। जिंदल सिटी RWA के सदस्यों ने कहा कि जब उन्होंने यहां प्लाट लिया था तो उन्हें यही बताया गया था कि जिंदल सिटी में एंट्री और एग्जिट के कुल दो ही द्वार हैं। ऐसे में अब जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के मालिक इसी जिंदल सिटी में से ही अपने जमीन का प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है और जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के आगे दीवार बनाने की मांग की जा रही थी, और जब सोमवार को दीवार बनाने का काम शुरू होने लगा तो कुछ अज्ञात लोगों ने इस कार्य में रुकावट पैदा करते हुए काम को रुकवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय दिया था। इसके बाद मंगलवार से एसोसिएशन ने मौके पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वीरवार तक का समय पूरा होने पर भी एसोसिएशन ने अपने धरने प्रदर्शन को लंबा चलाने का ऐलान करते हुए मौके पर लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी। हालांकि अभी दीवार बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं मौके पर नगर योजना का सतीश पुनिया ने पहुंचकर लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि 24 मीटर की सड़क पर कोई दीवार नहीं बना सकता। विभाग का काम है कि सबको आने जाने का रास्ता मिले। कानून सबके लिए एक समान है। बता दें ये विवाद अब प्रशासन के दरबार में पहुंच चुका है। जिंदल सिटी सेक्टर 29 के साथ लगती 24 मीटर सड़क का विवाद अब प्रशासन के दरबार में भी पहुंच गया है। ग्रीन होम डेवलपर्स के पार्टनर नवकेतन गोयल ने जिला नगर योजना कार्य पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र को लिखित में एक शिकायत दी है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 9.25 एकड़ जगह में हरियाणा सरकार से दीनदयाल योजना के तहत लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए सरकार द्वारा तय फीस भी जमा करवा दी गई है। उनकी कंपनी ग्रीन होम्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को LOI भी मिल चुका है और अब वो सरकार द्वारा तय नियमानुसार विकसित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। नवकेतन ने दी शिकायत में लिखा है कि कुछ लोग जबरन 24 मीटर की सड़क पर दीवार करना चाहते हैं, जो कि कानूनन गलत है। हालांकि शिकायत में किसी का कोई नाम नहीं है। नवकेतन ने कहा कि इस मामले की शिकायत वन विभाग और सेक्टर 5 पुलिस चौकी को भी दी गई है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए क्या कहते हैं डेवलपर्स। मैंने 9.25 एकड़ मेरी वहाँ पे जमीन का लाइसेंस लगाया हुआ है मैंने दीनदयाल योजना के तहत, और उसकी मेरे को सरकार द्वारा ये LOI भी मिल चुकी है, जिसमें हमारी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है भी जिसको हम पूरा ना कर सकें लीगली तौर पे। कुछ लोगों के मन में पता नहीं क्या भ्रम, किसने फैलाया है किसने नहीं फैलाया, बेमतलब से इशू बना दिया। हम सरकार के पूरे नियम कायदे कानून से अपना काम कर रहे हैं। हम कहीं पे भी हमारी कोई ऐसी कोई वो नहीं है भी हम इलीगल तरीके से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को, पढ़े लिखे लोग वहां पे रह रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैं उनको सारे जो भी उनको कागज चाहिए मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ भी हम किसी भी तरह कोई भी इलीगल काम ना करना चाहते हैं। और मेरी उन सभी भाइयों से जो कि वहां के निवासी हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन उनको है कि भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे भी वहां पे कोई हालात खराब हो, किसी भी भाई को परेशानी हो। वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल करके हम सिटी काटेंगे, बढ़िया सिटी काटेंगे, बढ़िया वहां पे जो है लोग आकर रहेंगे, वो लोग भी हमारे भाई होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे। आपने इसके लिए सारी जो भी सरकार की हिदायतें हैं, कायदे कानून है, आपने फीस सारी जमा करवा दी है? जी सर, ये मैंने फीस शुरू में जो होती है भर के, उसके बाद ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है मेरे को मिल चुका है, हमारी कंपनी को मिल चुका है, उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारी जो भी फीस है वो हमने जमा करवा दी है। उसकी हमारी लाइसेंस की प्रक्रिया हमारी चल रही है। ये सरकार का काम है, 24 मीटर रोड जो है वो सरकार की है, ना ही मेरी है, ना ही जिंदल सिटी की है, ना ही जिंदल सिटी वालों की है। लेकिन मेरी सभी भाइयों से विनम्र प्रार्थना है भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे किसी भी भाई को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो वहां पे काम क्यों रोका जा रहा है, वो लोग क्यों काम रुकवा रहे हैं, उनके मन में क्या संशय है? उनके मन में किसी ने पता नहीं क्या भ्रम पैदा कर दिया, क्या बात फैला दी वहां पे, पता नहीं, मेरे को तो खुद नहीं समझ लग रहा। वो कहते हैं हमारी इससे सिक्योरिटी पर्पज के कारण हम इस काम को रुकवा रहे हैं, लेकिन मैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी जिंदल सिटी के दो गेट हैं मेन लगे हुए,
हमारी जो सिटी बनेगी वहां पे भी गेट लगेगा, पूरी तरफ जो है बाउंड्री वॉल होगी, वहां पर भी दो चौकीदार जो है दिन का और रात का अलग बैठेगा, उससे तो उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है, कम कहां से होगी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं तो उनको हाथ जोड़ के ये संदेश देना चाहता हूं कि भी आप सरकार की पॉलिसी को पढ़ें, अगर डीटीपी ऑफिस में जाए उनसे आप पूछें पूरी बातें भी, कैसे सरकार के जो है 24 मीटर रोड का भी वहां पे कोई अतिक्रमण कर सकता है या नहीं कर सकता है, सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट ना वो जाए ना ही मैं जाऊंगा। आज जो आप उपायुक्त कार्यालय में आए हैं तो इसमें आप किसको शिकायत देने आए हैं क्या? जिला नगर योजनाकार सतीश पुनिया ने वहीं इस मामले में कहा कि ग्रीन होम्स इंफ्रा डेवलपर्स की ओर से उन्हें एक शिकायत सौंपी गई है, इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभाग की ओर से डेवलपर्स को पत्र लिखा है, इसका जवाब आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।